नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का। तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, अब स्टॉक्स के अंदर पहले आईपीओ फैसिलिटी उपलब्ध नहीं थी, जिस वजह से हमको यहाँ पे इंटरनेट बैंकिंग से आईपीओ अप्लाई करना पड़ता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है, आज से ही यहाँ पे यानी कि 3/3/2020 से यहाँ पे अब स्टॉक्स के अंदर आईपीओ अपडेट हो चुका है। आप यहाँ पे अब स्टॉक्स के अंदर से आसानी से, जिस प्रकार से हम यहाँ पे जीरोधा के अंदर आईपीओ अप्लाई करते हैं, उसी प्रकार से अब स्टॉक्स के अंदर भी आप आईपीओ अप्लाई कर सकते हैं। तो किस प्रकार से आईपीओ यहाँ पे अप्लाई करेंगे हम सीखेंगे। यहाँ पे सबसे पहले आप यहाँ पे अब स्टॉक्स का यहाँ पे एप्लीकेशन ओपन कर लेंगे। एप्लीकेशन ओपन करते ही कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपको नजर आता है अब स्टॉक्स के अंदर। उसके बाद आप जाएंगे यहाँ पे लेफ्ट साइड में टॉप पे 3 डॉट आपको दिखेंगे, यहाँ पे 3 लाइन्स दिखती है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही अप्लाई फॉर आईपीओ यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करते ही ये डैशबोर्ड आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ पे देखो SBI कार्ड 19, यहाँ पे क्वांटिटी, यहाँ पे लिखा हुआ है प्राइस 19 क्वांटिटी है और 7.55 इसकी प्राइस है। यहाँ पे आपको डिटेल्स में क्लिक करना है। डिटेल्स में क्लिक करने के बाद ये कुछ डिटेल्स हैं SBI कार्ड के, तो इनको आप पढ़ सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे प्लेस बिड पे आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे आपको UPI ID का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे आप अपनी UPI ID दे देंगे। ठीक है, नहीं जैसे कि मैं यहाँ पे अपना UPI ID दे देता हूँ। UPI ID देने के बाद आपको यहाँ पे इंडिविजुअल इन्वेस्टर या फिर आप शेयर होल्डर हैं, ये कैटेगरी आपको सेलेक्ट करना है। जैसे कि मैं यहाँ पे इंडिविजुअल सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो इतने प्रकार की यहाँ पे लिस्ट दे रखी है बैंक की। जो भी आप यहाँ पे भीम UPI यूज कर रहे होंगे तो उन बैंकों की यहाँ पे लिस्ट है। ठीक है, नहीं जिस भी आप यहाँ पे बैंक की UPI ID यूज करते होंगे तो इनको आप देख सकते हैं। मैं यहाँ पे एक्सिस बैंक का यूज कर रहा हूँ, तो यहाँ पे हम कंटिन्यू कर देंगे। कंटिन्यू करते ही आपको यहाँ पे क्वांटिटी डालनी है 19 को, जैसे 19 क्वांटिटी है यहाँ पे, और यहाँ पे आपको कट ऑफ प्राइस डाल देनी है। ये यह आपका यहाँ पे लग चुका है ऑर्डर। ठीक है, उसके बाद चाहे तो आप यहाँ पे मल्टीपल ऑर्डर यहाँ पे लगा सकते हैं, यानी कि आप अपनी बोली को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर 19 क्वांटिटी डाल देंगे और अपनी बोली यहाँ पे 755 से लेके 760 तक कर सकते हैं, ऊपर रख सकते हैं बोली को। ठीक है, उसके बाद हम नीचे आ जाएंगे। यहाँ पे देखो एक चेक बॉक्स मिलेगा यहाँ पे, आई हेयर वी अंडरटेक दैट आई हैव रीड द रीड हियरिंग प्रोस्पेक्टस एंड आई एम एलिजिबल बिडर एज पर द एप्लीकेबल प्रोविजंस ऑफ सेबी इश्यू ऑफ कैपिटल एंड डिस्क्लोजर अग्रीमेंट 2009 रेगुलेशन। ठीक है, इसको पढ़ने का यहाँ पे आपको टिक करना है, इसको पढ़ लेना है। उसके बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। यहाँ पे देखो SBI कार्ड एंड पेमेंट सर्विस SBI कार्ड यहाँ पे लिखा हुआ है, ये क्वांटिटी यहाँ पे लग चुकी है और यहाँ पे UPI ID आपको दिखाई जाएगी। तो यहाँ पे आपको सिंपली ऑर्डर को प्लेस करना है, तो यहाँ पे आपका जो IPO है वो सक्सेसफुली यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। ये मैंडेट आपको आपके UPI ऐप है जो भी उसमें आ जाएगा, जो कि मैंने एक लाइव वीडियो बना रखी है दोस्तों, इस वीडियो के लास्ट में आपको मिल जाएगा किस प्रकार से यहाँ पे मैंडेट आता है और उसको यहाँ पे एक्सेप्ट करना होता है। तो उम्मीद है दोस्तों अब स्टॉक्स वालों को आज की वीडियो यहाँ पे पसंद आई होगी, क्योंकि उनके पास यहाँ पे आईपीओ का ऑप्शन आ चुका है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें, चैनल पे नहीं तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।